उससे डरना छोड़ दिया, तो जिस चीज को अल्लाह ने हमारे लिए बनाया आज हम उसके ताबे हो गए, हम उससे डर रहे हैं। जब मेहनत हो रही थी तो शेर के दरिंदे भी डर रहे हैं कि सारी मखलूक ताबे। कि मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, कि अल्लाह ही हमारा रब है, उसी के चाहने से सब चीज वजूद में है, कि वो जो चाहता है करता है, हर चीज पे उसी की हुकूमत चलती है। कि दरख्त का पत्ता उस वक्त तक नहीं हिल सकता जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हो, उस वक्त तक जमीन पे गिर नहीं सकता जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हो। कि सारी चीज अल्लाह ही के कब्जे कुदरत में है, कि उस अल्लाह को हम रब मान के जिंदगी गुजारे, कि उसकी मान के जिंदगी गुजारे। कि हम अल्लाह को तो मान रहे लेकिन उसकी मान के जिंदगी नहीं गुजारे। कि अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आके इसी बात की मेहनत करते थे दिलों पे, कि मखलूक से कुछ नहीं होता है, खालिक से सब कुछ होता है। यूसा बिन नून वक्त के नबी हैं, दीन के तकाजे पे चल रहे हैं, असर का वक्त है और सूरज ये डूब रहा है। कि आमाल के छूटने का गम हुआ, बेकरार और बेचैन हुए, अल्लाह से उन्होंने दुआ किया, अल्लाह से उन्होंने अर्ज किया कि ए अल्लाह मैं तेरी मखलूक हूं और ये सूरज भी तेरी ही मखलूक है। ए अल्लाह तूने मुझे अपने वास्ते पैदा किया है और इस मखलूक को मेरे वास्ते पैदा किया है। ए अल्लाह तू इस सूरज को थाम दे। रिवायतों में है, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सूरज को थाम दिया, रोक दिया, ये असर की नमाज से फारिग। कि दीन पे के तकाजे पे अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं, अल्लाह के दीन के तकाजे पे चल रहे हैं, तो अल्लाह ने सारी मखलूक को ताबे कर दिया। आज हम दुनिया के तकाजे पे चल रहे हैं, दुनिया ही को मकसद बनाया, दुनिया ही के कमाने के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, उसी दुनिया को के फिक्रों के साथ सो रहे हैं, उसी दुनिया के फिक्रों के साथ हम जाग रहे हैं कि दुनिया हमारे दरमियान में है। तो जिस चीज को अल्लाह ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के लिए मुसख़र किया था, आज हमारे लिए अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया। कि मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने ईमान वाले को अपने लिए पैदा फरमाया है और सारी चीजों को ईमान वालों के लिए पैदा फरमाया। कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को यह बात समझ में आ गई थी, अपने दिल के रुख को दुनिया से आखिरत की तरफ किया था और मखलूक से खालिक की तरफ किया था, कि वही बादशाह है, कि अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाएंगे तो सब चीज, सब काम, सारी चीज बन जाएगी, सारे काम दुरुस्त हो जाएंगे। अगर अल्लाह नाराज हो गए तो सारी चीजें और सारे काम बिगड़ जाएंगे। कि अंबिया अलैहिस्सलाम की यह बुनियादी मेहनत होगी कि दिल के रुख को मखलूक से खालिक की तरफ थे और चीजों से आमाल की तरफ थे। कि चीज और सामान से कुछ नहीं होता है, आमाल अल्लाह ताला ने ईमान वाले को आमाल इसीलिए दिया है कि आमाल के रास्ते से हम अल्लाह के खजाने से अपनी जरूरियात को पूरी करवाएं। कि चीज और सामान से कुछ नहीं होता, आमाल से सब कुछ होता है, सब कुछ। कि चीज और सामान से वही होगा जो अल्लाह चाहेंगे। कि चीज और सामान अल्लाह ताला ने ईमान वाले के इम्तिहान के लिए बनाया है और गैरों के इत्मीनान के लिए बनाया है। कि गैरों के कामयाबी का रास्ता कुछ और है और ईमान वालों के कामयाबी का रास्ता कुछ और है। कि ये कामयाब जो कर दिया जाएगा और ये कामयाब जो होगा वो दीन और दीन की मेहनत के रास्ते से हो, और गैर ईमान वालों के लिए चूंकि दुनिया ही सारी चीज है तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए दुनिया ही को जन्नत बना दिया कि वो जो चाहे कर। चूंकि इसके बाद जो परेशानी आने वाली है उसके एतबार से ये दुनिया की राहत की जिंदगी उनके लिए जन्नत है, और हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो जन्नत बना के रखा है उस एतबार से दुनिया की जितनी राहतें हैं ये सारी की सारी चीज कुछ भी नहीं है उसके सामने। इसलिए इसको कैदखाना फरमाया कि यहाँ हमको मोहताज बनना है,
अल्लाह का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको गुलाम बनना है कि जितना हम गुलामी अख्तियार करेंगे उतना अल्लाह ताला हमको दुनिया की परेशानी से आजाद करते चले जाएंगे। जितना हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह के हुक्म को तोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका को छोड़ के जिंदगी गुजारेंगे उतना दुनिया में हम परेशान होते चले जाएंगे। चूंकि दुनिया में इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, इसके साथ तो आमाल जाएंगे चाहे वो अच्छे हो या बुरे। वक्त के बादशाह हैं हजरत जुल्करनैन वक्त के बड़े बादशाह हैं। अल्लाह ताला ने बादशाहत दी थी, हुकूमत दिया था, लेकिन जब मौत आई तो उन्होंने वसीयत किया था कि जब मेरी मौत आए तो मेरे दोनों हाथों को कफन के बाहर निकाल दिया जाए ताकि लोगों को इबरत हो कि इतना बड़ा बादशाह जब इस दुनिया से जा रहा तो खाली हाथ जा रहा। कि हमारे साथ आमाल जाएंगे चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। कि अल्लाह ताला ने आमाल इसीलिए दिया कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन अपने जरूरियात को रोक के रखते थे कि अभी जोहर का वक्त आ रहा है, कि सुबह में कुछ तकाजा आया, जोहर की नमाज का वक्त है तो रोक के रखा कि नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से मांगेंगे, क्योंकि हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह से दुआ मांगते कि कुछ भी परेशानी आई आमाल की तरफ जा रहा है। कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए यकीनी सबब जो बनाया है वो आमाल बनाया। कि मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के रास्ते से इस दुनिया में बसने वाले इंसानों को दुनिया में आने के मकसद को समझाया कि अब इस दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएंगे, लेकिन इंसान कयामत के सुबह तक आती रहेगी और ये इंसान उस वक्त कामयाब किया जाएगा जब इसके जिंदगी में अल्लाह का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी और पाकीज़ा तरीका हो। कि दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने कामयाबी का जरिया और सबब बनाया है, क्या ये ईमान वाला कैसे अपने दीन पे बाकी रहे और कैसे कयामत तक आने वाले एक एक फर्द उम्मत हमेशा हमेशा की नाकामी जहन्नम से बच के हमेशा हमेशा की कामयाबी जन्नत को हासिल कर ले, इसके लिए अल्लाह ताला ने एक एक ईमान वाले को एक तरफ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत दिया और दूसरे तरफ उसी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की जिम्मेदारी अता फरमाई। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को इसी कलीमा के दावत पे खड़ा किया था, कि दीन की मेहनत पे खड़ा किया था, दीन की मेहनत के रास्ते से, दावत की मुबारक मेहनत के रास्ते से सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के सीने में ईमान पहाड़ों के मानिंद गल चुका। यह मुमकिन था कि ऐसा हो सकता है कि पहाड़ अपनी जगह से चल सकता है, लेकिन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की ईमान में जरा बराबर कोई कमी हो जाए ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने दीन के दाई थे। कि जब ईमान वाला अपने दीन का दाई होगा तो अल्लाह ताला उसके सीने में ईमान को पहाड़ों के मानिंद जमा देंगे, अल्लाह ताला उसको उसके दीन पे इस्तकामत देंगे और दाई की कुर्बानी पे अल्लाह रब्बुल इज्जत मधु के हिदायत के फैसले फरमाएंगे, दाई की कुर्बानियों पे अल्लाह ताला इर्तदाद के सारे दहाने को बंद कर देंगे और दाई की कुर्बानियों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत गैरों के इस्लाम में दाखले के सारे सारे रास्तों को हमवार कर देंगे। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो मेहनत अता फरमाया, किसी मेहनत के रास्ते से अल्लाह की गैबी नुसरत और गैबी मदद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के साथ थी। कि वो मेहनत जो भी अख्तियार करेगा, उस मेहनत में जो भी अपने जान और माल को लगाएगा और झोंकेगा तो अल्लाह की गैबी ताईद और गैबी नुसरत एक एक फर्द उम्मत के साथ होगी। एक हदीस की रोशनी में हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जी मौलाना साद साहब दावत बरकातुन फरमाया करते
कि अल्लाह ताला इस जमाने में मेहनत करने वाले के साथ, कुर्बानी देने वालों के साथ अल्लाह सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन से 10 गुना ज्यादा मदद फरमाएंगे और 50 गुना ज्यादा अजर का वादा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे आगे चलेंगे, नहीं, कि अल्लाह ताला ने मदद फरमाया है क्योंकि हम आखिरी जमाने के गिरे पड़े लोग हैं, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मेहनत अता फरमाया है, नबियों वाली मेहनत दे दिया, जिस मेहनत को नबी और रसूल किया करते थे वो मेहनत अल्लाह ताला ने बगैर मांगे हमको अता फरमाया है।